अस्सलाम वालेकुम, मैं रिहान और आप देख रहे हैं जुलेहा किचन व्लॉग्स। आज बनने जा रहा है चिकन ब्रेजिला। ये कोलकाता की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है, इसे बना के ज़रूर देखेगा एंड ये बहुत टेस्टी रेसिपी भी है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है। वैसे तो इसमें चिकन थाई और लेग पीस का यूज़ होता है, लेकिन हमें यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट मिला है तो हमने वही ले लिया है। बाकी आप चिकन लेग पीस और थाई से भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसमें दही डाल देंगे। तो 200 ग्राम दही है, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से फेंटिएगा एंड उसके बाद इसे हमारे चिकन में डाल दीजिएगा। तो मैं बता दूँ 200 ग्राम दही है, तो 200 ग्राम दही ले लीजिएगा, उसके बाद इसे चिकन में डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसमें नमक डालिएगा 1 टेबल स्पून। नमक डालने के बाद ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा एंड फिर 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एंड घी डालेंगे 4 टेबल स्पून। आप इसमें रिफाइंड ऑयल या मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे घी का यूज़ करा है तो 4 टेबल स्पून हम इसमें घी डाल देंगे एंड जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। एंड मिलाने के बाद इसे हमें मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 1/2 घंटे या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसे अच्छे से मिलाने के बाद ढक के रख दीजिएगा एंड इसे मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने काजू लिए हैं, 17 से 18 काजू होंगे एंड हमने पॉपी सीड्स भी लिए हैं यानी कि खसखस, जो कि 2 टेबल स्पून होंगे, तो ये भी हम ले लेंगे एंड उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे 10 मिनट तक रख दीजिएगा एंड देन फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। तो हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। इसे हमने रेफ्रिजरेट करा था तो 3 घंटे से ज़्यादा ही हो गए होंगे इसे रेफ्रिजरेट करें एंड देख ही सकते हैं चिकन कितना बढ़िया से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम एक पेस्ट बनाएंगे मिर्ची और प्याज का। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हमने 4 हरी मिर्च लिए हैं और प्याज 2 मीडियम साइज़ के होंगे, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 4 हरी मिर्च है। तो हम इन्हें डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया, कढ़ाई में हम बटर डालेंगे। आप बटर की जगह घी या फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर को डालने के बाद इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे एंड ये जो बटर है ये घर पे बना हुआ बटर है। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो हमें बता दीजिएगा, हम इसकी वीडियो बना देंगे कि बटर कैसे बनाते हैं। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए 2 तेज़पत्ते और मैं बता दूँ ये जो हम मसाले डालेंगे ये बहुत ज़रूरी है हमारे चिकन ब्रेजिला के लिए। तो आप देख ही सकते हैं हमने मसाले ले लिए। तो इसमें हम दालचीनी डालेंगे, यहाँ पे पीसेस देख सकते हैं 2 बड़े पीसेस हैं। फिर यहाँ पे जावित्री का फूल ले लिया हमने 1, उसके बबाद इसमें डाल देंगे लौंग, तो 7 से 8 लौंग टी एंड 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची। और 5 छोटी इलायची डालने के बाद इसमें हमने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर दोनों लिए हैं। तो आप देख ही सकते हैं ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून है और वाइट पेपर जो है वो 15 से 20 हमने लिए हैं। तो ये सब डाल देंगे, तो वाइट पेपर आपको दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सब डालने के बाद इसमें हम 4 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 30 सेकंड तक इसे अच्छे से फ्राई करिएगा एंड जो मसाले इन्हें जलाइएगा मत। तो देख ही सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और मतलब फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें अनियन और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट बना था, हरी मिर्च और प्याज का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करिएगा, उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेगा और इसे अच्छे से मिलाने लग जाइएगा। मिलाने के बाद हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। तो लास्ट में जो मैरिनेशन बच गई थी थोड़ी सी वो हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। तो जितना अच्छे से आप मिला सकते हो उतने अच्छे से मिलाइएगा एंड मिलाने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख दीजिएगा।
तो देखिए हमारे चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है, तो इसे हम अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। मैं एक बार बता दूँ, ये जो आपकी पूरी डिश है ये मीडियम फ्लेम में बनने वाली है, तो इसे मीडियम फ्लेम में ही बनाते रहिएगा। और मिलाने के बाद हमने जो पॉपी सीड्स और काजू के पेस्ट बनाए थे वो हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो जो खसखस और काजू था वही है, उसी का पेस्ट है, तो वो हम इसी के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। और मैं बता दूँ, ये जो चिकन रेजला डिश है ना, ये हमारे कोलकाता में एक नवाब है तो उनकी ये फेवरेट डिश थी, तो शेफ़ ने इसे ऐसे बनाया था उनके लिए रॉयल डिश, तो उनकी ये फेवरेट हो चुकी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर डिश है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। और मिलाने के बाद इसमें हम मखाने डाल देंगे। तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो आपको ये दिखेगा, क्योंकि मखाना डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट लगना लग जाता है। तो मखाने डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे एंड थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा ही डालेगा पानी, और इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। मिलाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक हमें ऐसे ढक के रख देना है। देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे ऑयल भी बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे अच्छे से मिलाने लग जाएंगे। एंड मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक मिलाने के बाद आपका चिकन रेजला बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसे परोस लीजिए, बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एंड ये जो चिकन रेजला रेसिपी है, इसे आप राइस, रोटी या फिर लच्छा पराठा, फ्राइड राइस, नान, मतलब आप जिसके साथ खाना चाहते हैं उसी के साथ खाइए, क्योंकि ये सभी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। आपको अगर चावल के साथ खाना है तो चावल के साथ खाइए, लच्छे पराठे के साथ खाना है तो उसके साथ खाइए, या फिर नान के साथ खाना है उसके साथ खाइए, फ्राइड राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी फ्राइड राइस, नान और पराठा है, मिल्क पराठा है, उसकी रेसिपी हम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं एंड उसके साथ इसे खाइएगा, बहुत टेस्ट लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन रेजला कितना बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लग रहा है। आप भी इस टेस्टी रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, तो मैं भी इसे खाऊंगा, आप भी इसे बना के खा के ज़रूर देखिएगा एंड घर वालों को भी बना के खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। तो मैं एक चिकन खा के देखता हूँ एंड आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक भी चुका है, तो इसे ग्रेवी के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगा। ये तो खाने में बहुत टेस्टी बना, आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम मिलेंगे आपसे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।